बिहार में ऐसे कई दार्शनिक स्थल हैं जो दुनिया भर में अपने इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। भागलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर बांका जिले का मंदार पर्वत भी लोगों के लिए एक ऐसा ही दार्शनिक स्थल है जिसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग मंदार पर्वत की खूबसूरती को पर्यटकों के लिए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रहा है। पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा है कि बांका में इको टूरिज्म के विकास के लिए पर्यटन विभाग सतत कार्यशील है। इसे देखते हुए उनके लिए और भी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर पर्यटन विभाग काम कर रहा है। मंदार पर्वत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। अभय कुमार सिंह ने बताया है कि जो प्रकृति की गोद में रोमांच का आनंद लेते हैं वो बांका में इसे आजमाएं। मंदार पर्वत पर निर्मित रोपवे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रोपवे के जरिए पर्यटक मंदार पर्वत के शिखर पर पहुंचकर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले मंदिरों और कुंडों के दर्शन करते हैं। यहाँ खूबसूरत परिक्रमा पथ भी है। आने वाले दिनों में बोटिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली है। ये वो जगह है मंदार पर्वत जहाँ से हमारा समुद्र मंथन शुरू हुआ था। इस जिले में इको टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। अगर हम मंदार पर्वत को खुद देखें, यहाँ पे रोपवे है, बोटिंग की फैसिलिटी चालू होने वाली है, एक बहुत अच्छा परिक्रमा पथ है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये सबसे वाइब्रेंट जगह होगी। ओढ़नी वाटर स्पॉट बिहार की टॉप प्लेसेस बनने जा रही है। आने वाले दिनों में ओढ़नी में जेट स्की और पैरासेलिंग जैसी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। ओढ़नी एक हम लोगों के लिए बहुत ही एक्सेप्टेबल टूरिस्ट प्लेस है और वाटर स्पोर्ट्स की द प्लेस वो पूरे बिहार का बनने जा रहा है। अभी आज की तारीख में हम लोग वहाँ पे मोटर बोट चला रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग वहाँ पे जेट स्की, पैरासेलिंग और इस तरह की सुविधाओं से उसको और लेस करेंगे। इसके अलावा हनुमाना डैम को भी इको स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें जंगल ट्रैक के साथ टूरिस्ट पैलेस एक्टिविटी कराने का मौका मिलेगा। कुछ प्रमुख स्थल हैं जैसे हनुमाना डैम हो गया और इसके अलावा भी कुछ स्पॉट्स हैं जहां पे हम लोग इको टूरिज्म को प्रमोट करने जा रहे हैं। वहां पे आपको जंगल ट्रैक्स, कैंपिंग, आपको डिफरेंट टाइप की टूरिस्ट बेस्ड एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में पुराणों और महाभारत में कई कहानियां प्रचलित हैं। मंदार पर्वत से संबंधित एक कथा यह भी है कि देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए दैत्यों के साथ मिलकर मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन किया था। राजा बलि जब तीनों लोकों के स्वामी बने, उस दौरान स्वर्ग के देवता इंद्र समेत सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान श्री हरि विष्णु से तीनों लोकों की रक्षा की प्रार्थना की थी। देवों द्वारा याचना करने पर श्री हरि ने उन्हें समुद्र मंथन करने की युक्ति दी थी। भगवान विष्णु ने देवों को कहा था कि समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति होगी, जिसके पान से देवता अमर हो जाएंगे। कालांतर में क्षीर सागर में वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए थे। मंथन के समय अमृत का पान देवताओं ने किया और विष का पान भगवान शिव ने। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।